नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लिख रहा हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑन वाटर, यानी कि कितना काम किया गया हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर द्वारा पानी के ऊपर। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड चेक एंड मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप क्या बोलते हैं इसी चैप्टर के यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के आपको तमाम दूसरे वीडियोज भी मिल जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। साथ में अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मशीनरी के अलग अलग वीडियोज हैं अलग अलग चैप्टर के, लाइक इंपैक्ट ऑफ जेट है, देन टर्बाइंस के ऊपर चैप्टर है हमारा, पूरे वीडियोज मिल जाएंगे। वेलोसिटी ट्राइंगल्स, अलग अलग न्यूमेरिकल्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में है कैसे करने हैं, वेलोसिटी ट्राइंगल्स भी काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने बहुत इजिली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए ज्यादा देर ना वेट करते हुए इस वर्क डन ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑन वाटर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? देखिए, ये सबसे वर्सेटाइल पंप है, लो कॉस्ट पंप है। वैसे तो आपके पास कौन कौन से पंप्स अवेलेबल होते हैं, जो ज्यादा आपने देखा है सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। ठीक है, आपके घरों में यूज होने वाला पंप जिससे पानी भरा जाता है टंकी पे, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक दूसरा पंप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ज्यादातर इंडस्ट्रीज में सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज किया जाता है, वर्सेटाइल है। कोई ऐसा लिक्विड जिसमें कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होते हैं मगर उसकी कुछ लिमिट होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स की, अगर उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम टैंक टू अनदर टैंक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप कंटीन्यूअस पंप है जिसमें फ्लूइड कंटीन्यूअसली पंप किया जाता है। वहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करते हैं तो वहां पे जो फ्लूइड है रुक-रुक के आता है, इंटरमिटेंट, कंटीन्यूअसली नहीं आता। ठीक है, अब रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूटिलाइजेशन वहां पर ज्यादा है जहां पे आउटलेट में प्रेशर ज्यादा चाहिए या फिर आपको फिक्स्ड फ्लो रेट चाहिए। सपोज फिक्स्ड फ्लो रेट यानी कि 100 लीटर पर मिनट चाहिए, उससे ना ज्यादा कम, ना मींस ना ही ज्यादा ना ही कम। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप एवरग्रीन पंप है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। ओके, अब बात करेंगे हमारे सबसे पहले इसका आप सिंबल देख लीजिए। ठीक है, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप बताया है, रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, ना ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसमें पिस्टन यूज होता है। ठीक है, ओके, तो ये होता है हमारा क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल। यहां से फ्लूइड एंटर करता है सेंटर पे, ओके, आउटलेट से बाहर निकल जाता है बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है हमारा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये काम करता है हमारे फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो पे, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है अंदर एक इंपेलर होता है। ठीक है, और ये जो इंपेलर है इसके अंदर वेन्स लगी होती है, वेन्स, क्लियर हो गया। अब ये वेन्स क्या होती है, कर्व्ड प्लेट होती है। इस कर्व्ड वेन्स का यूज करके ही आपका फ्लूइड, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर को अक्वायर करता है। अब ये जो इंपेलर है, ठीक है, ये इंपेलर है एक मोटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मोटर घूमती है, इंपेलर घूमेगा, इंपेलर घूमने की वजह से फ्लूइड आउटलेट पे हाई प्रेशर से बाहर निकलता है। अब ये फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो क्या है, इसी प्रिंसिपल को यूज करके सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक सर्टन मास ऑफ फ्लूइड है, कुछ मास ऑफ फ्लूइड हम ले लेते हैं, उसको एक्सटर्नल टॉर्क का यूज करके हम उसे रोटेट करते हैं, क्लियर हो गया। ओके, अब मैं क्या काम करूंगा, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये इंपेलर यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, यही इंपेलर रोटेट होता है और रोटेट होने की वजह से क्या बोलते हैं उसके पास हाई प्रेशर अक्वायर हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर आ जाता है। ठीक है, दिस इज द आई ऑफ द इंपेलर। ओके, अब मैं ये बोल रहा था कि दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द इंपेलर। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का अंदर का पार्ट है, ये क्लियर हो गया। ओके, अब यहां से थोड़े से रेडियल डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट ए लेता हूं, ए। ठीक है, यहां पर मान लीजिए प्रेशर पी वन है, इस पी वन की वैल्यू दे देते हैं हम 2 bar का प्रेशर। ठीक है, ओके, अब क्या होता है कि जब इसे एक्सटर्नल क्या बोलते हैं टॉर्क से रोटेट किया जाता है, सपोज कुछ ओमेगा वेलोसिटी से इसे रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, इस और यहां पर देखिए इस इंपेलर पे यहां पर फ्लूइड है, जहां पर मैंने पॉइंट ए लिया है यहां पर फ्लूइड है, यहां पर इससे पहले का जो प्रेशर था दैट इज 2 bar है। ओके, जब हम इसे एक्सटर्नल टॉर्क से रोटेट करते हैं तो यही प्रेशर बढ़ के P2 हो जाता है, P2 हो गया हमारा 20 bar का प्रेशर। ठीक है, तो इस दौरान प्रेशर राइज देखा गया है, तो प्रेशर राइज क्या होता है हमारा डेल्टा पी। अब ये प्रेशर राइज जो है चेंज इन प्रेशर और इंक्रीज इन प्रेशर, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेड में भी, यानी कि प्रेशर हेड में भी, इसको प्रेशर हेड भी कहा जा सकता है। प्रेशर चेंज इन प्रेशर या फिर इंक्रीज इन प्रेशर को कन्वर्ट किया जा सकता है इंक्रीज इन प्रेशर हेड में भी। तो यही डेल्टा पी जो आया है आप देख रहे हैं साफ साफ,
व्हाट इज दिस, दिस इज पी टू माइनस पी वन, क्लियर हो गया। तो ये कितना हो गया, 20 में से दो बार माइनस किया, दैट इज योर 18 बार, ठीक है। तो ये जो डेल्टा पी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट कौन सा है, ए, वहां की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी दैट इज उस वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जो भी चेंज इन प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी स्क्वायर बाय 2g के। और वैसे अगर आप देखेंगे v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो दैट इज योर r ओमेगा, v की वैल्यू r ओमेगा है, तो v के ऊपर स्क्वायर है, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हमारे फ्लूइड में आउटलेट में ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आप देखेंगे जितना आपका इंपेलर का रेडियस ज्यादा होगा, मतलब आप देखिए कि अगर मैं इस यहां पर एक और पॉइंट ले लू, बी ले लू, तो आप देख रहे हो ये रेडियल डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो प्रेशर में चेंज आएगा वो ज्यादा होगा। तो मैं यही बोल रहा था कि आपका जितना ज्यादा रेडियस ज्यादा होगा आपके इंपेलर का आउटलेट पे, उतना ही प्रेशर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो जितना प्रेशर ज्यादा होगा आउटलेट पे, उतनी हाइट पे आपका फ्लूइड चले जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब बारी आती है हमारी वर्क डन की, कि कितना वर्क डन किया गया हमारे क्या बोलते हैं इंपेलर द्वारा पानी के ऊपर। अब आप देख रहे हैं ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये है हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ये है हमारा आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट ट्रायंगल्स। अब देखिए इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स इनलेट का हो आउटलेट का हो, टर्बाइन के केस में, इससे पहले कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में आए, इससे पहले आप ये इंश्योर कीजिएगा कि आप टर्बाइन चैप्टर पढ़िए, उसमें इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। वेलोसिटी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, एक्चुअली वेलोसिटी ट्रायंगल्स जो होते हैं, देखिए जहां से फ्लूइड एंटर करता है तो वहां पे आपका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो जाता है, आउटलेट पे जहां पर फ्लूइड निकलता है आपका वो हो जाता है आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स। अब वेलोसिटी ट्रायंगल्स में वेलोसिटी को प्लेस किया गया सिंपली और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक सिंबल बनाता हूं, ये हो गया सिंबल, ओके। यहां से फ्लूइड हमारा एंटर हो रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है, हो गया ये भी क्लियर, ओके। अब बीच में है हमारा इंपेलर जो कनेक्टेड है हमारी मोटर से, तो इसी ये जो सेंटर पार्ट है मैं यहां पर ले लेता हूं अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटर पार्ट यानी कि इंपेलर, ओके। ये हमारा सेंटर ओ। अब यहां पर हमारी कर्व्ड वेन्स लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारी, दिस इज कर्व्ड वेन्स, ओके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कर्व्ड वेन्स। तो इतना पोर्शन देखिए, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो बीच वाला पोर्शन है वो हमने यहां पे ले लिया। तो ये है हमारा इंपेलर, यहां पे लिखा हुआ दिस इज इंपेलर, ओके। कितने डिस्टेंस पे सेंटर से, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आपका कर्व्ड वेन का इनलेट पार्ट है और ये आउटलेट पार्ट है, ठीक है। अब आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हमारे क्या बोलते हैं कितना काम किया गया, ठीक है। सबसे पहले आप टर्बाइन देख लीजिए, टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप उल्टे उल्टे होते हैं, आपस में अपोजिट है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये है टर्बाइन, टर्बाइन में फ्लूइड साइड से एंटर करता है, ठीक है, रेडियली एंटर करते हुए देखिए इस तरह से एंटर करता है, ठीक है, इस तरह से, ओके, सेंटर से निकल जाता है आउटलेट। ये हो गया हमारा टर्बाइन का केस। तो इस दौरान हमने क्या पाया था, देखिए टर्बाइन किसकी मदद से रोटेट होती है, पानी की मदद से रोटेट होती है, यानी कि कितना काम किया गया हमारे पानी द्वारा टर्बाइन के ऊपर एक सेकंड में, कब, जब यूनिट वेट पानी का आपका स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, टर्बाइन के ऊपर। तो इस दौरान हमने देखा था पिछले चैप्टर में जो हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन पर सेकेंड किसके द्वारा, पानी के द्वारा टर्बाइन के ऊपर, कब, जब यूनिट वेट ऑफ वॉटर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हमारा दिखेगा, दिस इज वन अपॉन जी, दिस इज वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू। ये हमारे पिछले चैप्टर का वो क्या बोलते हैं मीन्स डेटा है, या फिर ये एक वैल्यू है कि कितना काम किया गया था हमारे पानी द्वारा टर्बाइन के ऊपर। अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ओके, ये जो टर्बाइन है ना, ये है हमारी इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, ठीक है, हो गया ये भी क्लियर, ओके। अब देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरह से फ्लूइड आपका सेंटर से गुजर रहा है, रेडियली ट्रेवल करता है, देखिए रेडियली ट्रेवल करता है, क्लियर हो गया, ओके, और आउटलेट से निकल जाता है। तो आप देख रहे हैं आपका ये जो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, इसका जस्ट उल्टा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। तो डेफिनेटली जो वर्क डन किया जाएगा हमारे इंपेलर द्वारा, ठीक है, इस बार इंपेलर घूम के पानी के ऊपर काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में,
तो कितना काम किया गया हमारे इंपेलर द्वारा 1 सेकंड में, कब, जब यूनिट वेट स्ट्राइक हो जाता है, व्हेन यूनिट वेट गेट स्ट्राइक्ड बाय योर इंपेलर, व्हेन यूनिट वेट ऑफ वाटर गेट स्ट्राइक्ड, ये स्ट्राइक हो जाता है पर सेकंड, क्लियर हो गया? ओके, तो डेफिनेटली यही फॉर्मूला लिखूंगा बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट हैं, क्लियर हो गया? 1 अपॉन जी वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू, क्लियर हो गया ये भी? चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है? ओके चलिए, तो अब मैं ये लिखूंगा यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वर्क डन पर सेकेंड, ओके, और ये यूनिट वेट वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, ठीक है? अब यहां पर यूनिट वेट, पिछले केस में पानी स्ट्राइक कर रहा था टर्बाइन को, यहां पर यूनिट वेट जो वाटर है आपका वो स्ट्राइक हो जाता है किसका यूज करके, इंपेलर का यूज करके, सेंट्रीफ्यूगल पंप के, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, यहां पे लिख दिया है माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, किसको मिल जाएगा, 1 अपॉन जी नेगेटिव वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू यू टू, हो गया ये क्लियर? ओके, और अच्छे से लिखेंगे, दिस इज 1 अपॉन जी, प्लस को पहले ले लेता हूं, दिस इज वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, हो गया ये? लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या सब कुछ तो बढ़िया चल ही रहा है। ओके चलिए, ये तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये है हमारा इंपेलर, ये है हमारी कर्व वेन, ये है हमारा इस कर्व वेन का इनलेट, ये है हमारा कर्व वेन का आउटलेट। ओके, और मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि जैसे ये हमारा क्या बोलते हैं पंप है, पानी एंटर करता है सेंटर से, ये आए है इंपेलर की आंख है, ओके, और ये इस तरह से कुछ रेडियली ट्रेवल करता है ऐसे, ठीक है? तो आप देख रहे हैं यहां से फ्लूइड पहुंच के रेडियली ट्रेवल करता है, तो ये हो गई हमारी V1, V1 क्या है, हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है हमारी फ्लूइड की जो ट्रेवल करता है, और ये जो एंगल बनाता है ये अल्फा बनाता है। अब याद रखिएगा ये जो अल्फा है ये 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री होने की वजह से, ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है टेढ़ी नहीं है, अब टेढ़ी नहीं होने की वजह से VW1 जीरो हो जाता है। अगर हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी टेढ़ी होती तो हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है इस V1 का वो डेफिनेटली पिक्चर में दिखता, आप टर्बाइन के केस में देख सकते हैं VW1 आपको हमेशा दिखेगा, ठीक है, अगर वो टेंजेंशियली मींस अगर वो टेढ़ा स्ट्राइक कर रहा है, मेरा कहने का मतलब है, तो इस केस में जो अल्फा है वो 90 डिग्री होने की वजह से, यानी कि ये तो स्ट्रेट है, ठीक है, तो वो अल्फा 90 डिग्री होने की वजह से VW1 नहीं दिखेगा। ओके, दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि हमने इनलेट पे ये टेंजेंट बनाया हुआ है जहां से आपका फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो दिस इज नथिंग बट टेंजेंट टू इंपेलर एट इनलेट, वैसा ही आप देख रहे हैं टेंजेंट टू इंपेलर एट आउटलेट, ये हमारा इंपेलर, ये रेडियल डिस्टेंस है R1 R2 है, ठीक है। दूसरी ये जो चीज है U1, ये आपकी इनलेट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इनलेट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है किसकी, आपके इस कर्व वेन के इनलेट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, वैसे ही आउटलेट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पे दिया, और टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द कर्व वेन, क्लियर हो गया? ओके, अब ये तो हो गया, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका टेंजेंट है उसी डायरेक्शन में ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ओके, दूसरी चीज ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, देखिए दो चीजें मूव कर रही है तभी रिलेटिव वेलोसिटी पैदा होती है, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है आपके फ्लूइड की किसके रेस्पेक्ट में, इस मूविंग कर्व वेन के रेस्पेक्ट में जो इंपेलर के ऊपर फिक्स है, ठीक है। ओके, तो दिस इज योर VR1, जो एंगल बनाएगा दैट इज योर थीटा। ओके ओके, आउटलेट पे दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी VR2, और ये जो एंगल बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू योर टेंजेंट दैट इज योर फाई, समझ में आ गया, फाई याद रखिएगा, फाई आपने टर्बाइन के केस में भी देखा है। ओके, अब इसका जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये टेढ़ा है तो इसका डेफिनेटली एक कंपोनेंट होगा दैट इज VF2, क्या होगा, VF2, दिस इज द फ्लो कंपोनेंट, याद रखिएगा, यहां पर जो V1 है, VF1 नहीं दिख रहा है, तो V1 इज इक्वल टू VF1 ही होने वाला है, ठीक है, ये फ्लो कंपोनेंट। ओके, अब यही कंपोनेंट रहेगा आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का भी, जिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी से आपका ये फ्लूइड निकल रहा है दैट इज V2, और ये बनाएगा एंगल बीटा। ओके, इसकी डायरेक्शन भी मैंने एरो से इस साइड बताई हुई है, और क्योंकि ये टेढ़ा है एट एन एंगल बीटा विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट, ओके, विद रेस्पेक्ट टू योर जिस डायरेक्शन में आपका इस इंपेलर का मोशन हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में दैट इज योर बीटा, तो डेफिनेटली टेढ़ा होने की वजह से इसका एक कंपोनेंट आएगा VF2, तो डेफिनेटली ये VW2 होगा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा आपके V2 का। ओके, और ये जो है आपका U2 यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ, और इसकी डायरेक्शन भी साइड है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये ऑलरेडी बोल चुका हूं अल्फा 90 डिग्री है तो VW1 जीरो ही होगा, तो देयरफॉर VW1 इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज 1 अपॉन जी
VW2 U2। तो ये क्या था हमारा, ये है ठीक है। यहां पे लिख देता हूं कि कितना काम किया गया एक सेकंड में किसके द्वारा, आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर द्वारा, कब, जब यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइक हो जाता है, गेट स्ट्राइक्ड बाय इंपेलर, वो भी एक सेकंड में पर सेकंड। हो गया ये भी, चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ओके, अब आपको यहां पे दिख ही रहा है कि जब यूनिट वेट, यानी कि यूनिट वेट पानी का, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो स्ट्राइक हो जाता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो स्ट्राइक हो जाता है ओके, किसके द्वारा, इंपेलर के द्वारा, वो भी पर सेकंड में ठीक है। तो उसके ऊपर कितना काम होता है, कितना काम होता है, कितना वर्क डन होता है, एक्चुअली में ये वर्क डन है, वर्क डन पर सेकंड है ठीक है, इसकी यूनिट वर्क डन पर सेकंड है, ये होता है VW2। उसके ऊपर जो काम हो रहा है एक सेकंड में, दैट इज दिस वन, तो इसकी यूनिट भी लिखता हूं वर्क डन पर सेकंड, ये हो गई इसकी यूनिट, क्लियर हो गया। ओके, तो अगर यूनिट वेट ऑफ पानी के ऊपर ये किसके द्वारा स्ट्राइक किया जाता है, समझ में आ रहा है, ये जब यूनिट वेट पानी का वो स्ट्राइक किया जाता है किसके द्वारा, इंपेलर के द्वारा एक सेकंड में, तो उसके ऊपर इतना वर्क डन होता था। मैं बोलता हूं कि यूनिट वेट ना होके अभी हमें अगर डब्ल्यू वेट के लिए निकालना है, डब्ल्यू वेट ऑफ वॉटर के लिए निकालना है, वो भी पर सेकंड में, तो कितना होगा, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर यूनिट वेट के ऊपर जो इतना काम होता है, तो इस डब्ल्यू वेट के ऊपर कितना काम होगा, तो डेफिनेटली VW2 U2 / G, इसकी यूनिट लिख लेता हूं वर्क डन पर सेकेंड। ओके, तो ये वाला टर्म जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, दिस इज यूनिट वेट, यूनिट मीन्स यूनिट वेट ओके, यूनिट वेट पर सेकेंड ओके, और ये वाली जो टर्म है जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं वो सामने आ जाएगी, दिस इज डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा ये यूनिट वेट और ये वाला वेट, इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं ठीक है। ओके, तो अगर डब्ल्यू वेट के ऊपर, तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू वेट अगर पानी के ऊपर एक सेकेंड में इंपेलर द्वारा स्ट्राइक किया जाता है, तो उसके ऊपर इतना काम होगा, तो दिस इज योर फाइनली, दिस इज VW2 U2 / G मल्टीप्लाई बाय W, यानी कि ये है हमारा वर्क डन पर सेकेंड W वेट के ऊपर। हो गया ये चीज ओके। अगर हमें फ्लोरेट निकालना है लगभग यहां से ठीक है, तो फ्लोरेट फॉर्मूला इज एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया क्या होगा, दिस इज पाई डी वन, दिस इज योर बी वन। बी वन देखिए, पाई डी वन तो एक लंबाई हो गई यहां से लेकर यहां तक ठीक है, ये जो कर्ड पोर्शन है ठीक है। B1 क्या है, आपका विड्थ है इंपेलर का, और V इज योर फ्लो वेलोसिटी ओके। वैसे ही हम फ्लो रेट ये भी लिख सकते हैं, पाई D2 B2, दैट इज VF2 ठीक है। तो आई होप आपको इस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं प्लीज डू रिकमेंड, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोरोना वायरस से बचिए और खूब एहतियात, हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए, डिटोल सोप है वो यूज कीजिए ओके, और तंदुरुस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।